रायसेन जिले में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई। बाड़ी थाने के ग्राम डूडादेह में गुरुवार को रात करीब 12 बजे हुए इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर हैं। घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद में सिंधी एवं बरोआ समाज के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें बरोआ समाज के लोगों ने सिंधी समाज के लोगों को लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उन्हें बाड़ी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया। भोपाल ले जाते समय रास्ते में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि बाड़ी थाने के ग्राम डूडा देह में जमीन की जुताई को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इसमें राजू राजेश और मोहन नाम के युवकों को गंभीर हालत के चलते भोपाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अन्य घायलों का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बाड़ी थाना क्षेत्र में गांव टूटा डैम करके कोई जगह, वहां पर 2 गुटों में खेत की जमीन जोतने के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े में एक ही समूह के 8 लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए। उन घायलों में 3 घायल जब तक भोपाल आए तब तक रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। 5 घायलों को हमने अस्पताल में भर्ती किया, उससे 2 की हालत बहुत गंभीर है। वो भोपाल के ISPT से पालीवाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनमें से 2 की हालत बहुत गंभीर होने के साथ साथ उनका इलाज जारी है। 3 की हालत स्थिर हो गई, उनकी जांचें और इलाज जारी है। जिस तरह की घटना थी और जिस तरह लोगों को चोटें थी, उस तरह देखकर ही लगता है कि जो भी बलवा या विवाद हो, बहुत विभत्स तरीके से उसमें आपस में मारपीट हुई। लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें थी। जो हमारे अस्पताल मृतक लाए गए थे, उनको पालीवाल अस्पताल ने रात में ही शासकीय चिकित्सालय आगे कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि समय नष्ट हुए बगैर उनकी आगे की कार्रवाई हो सके। और इन 5 के लिए अस्पताल भरपूर कोशिशें कर रहा है कि जो अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया करा सके कराएं और उनको बचाने की भरसक कोशिश करें। उनमें से 3 की हालत स्थिर हो गई, 2 अभी भी गंभीर है, लेकिन उनकी स्थिति में उत्तरोत्तर हल्का सा मामूली से सुधार दिखाई दे रहा है।